दोस्तों यहाँ पर हमें मिले हुए हैं एक सज्जन जो यहाँ से लोकलाइज्ड हैं और ये हम लोगों को इस मंदिर की सारी विशेषताएं आप लोगों को बताएंगे। इसी तरीके से देखते रहिएगा। जी सर, आपका क्या नाम क्या मेरा है? नाम राजकुमार चौबे है। मैं आर्कोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। इस टेंपल की देख रेख करता हूँ। जी, ये टेंपल हजारों वर्ष पुराना है, चंदेल राजा पीरियड का नहीं, है। आज हम लोग आपको घुमाएंगे एक टेंपल, ऐसा टेंपल जो आप लोगों ने सिर्फ सुना है अभी तक और देखा नहीं होगा, क्योंकि एक ही टेंपल है पूरे भारत में, उसको बताया जाता है पुष्कर में है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किस टेंपल की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, ब्रह्मा टेंपल की बात कर रहा हूँ मैं। अभी जो आप लोग ये सर्किल देख रहे हैं यहाँ पर, ये है गांधी चौक। गांधी चौक से होकर ही आपको जाना होगा। आज हम लोग ब्रह्मा टेम्पल चल रहे हैं। अभी हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये इसका मुख्य द्वार है, जो जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। इस टेंपल की विशेषता है कि यहाँ पर लेक के किनारे ये बना हुआ है और उसी प्राचीन टाइम का बना हुआ है ये। अभी बारिश के सीज़न की वजह से आप लोग जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कुछ कालापन आ गया है पत्थरों में। अभी अंदर ये चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। एक शिवलिंग है यहाँ पर और यहाँ पर चार चेहरे हैं। ये रुद्र रूप में है, ये क्योंकि ये देखिए पलकों शिव को जी जो रुद्र रूप में है यहाँ पर, अपनी भौहों को पल आंखों के पलकों को उठाए हुए है। आंखों को पलकों को उठाए हुए हैं यहाँ पर, और ये हैं शांत में, जो एकदम ही शालीन टाइप से एकदम शांति का प्रतीक है। उनके चेहरे में देखे हैप्पी पोजीशन, प्रसन्नता और में। जो इस साइड हैं ये एकदम इधर वाले में क्या है, हैप्पी हैप्पी अच्छा ये हैप्पी में है, ये एकदम खुशी का चेहरा है ये। और ये सब चेहरे आप देख पा रहे होंगे एक शिवलिंग में लगे हुए हैं। ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा जो मैं आपको आज ये दिखा रहा हूँ। है, और बताया जाता है कि ये टेम्पल पूरा ग्रेनाइट पत्थर से बना है। जो ये ग्रेनाइट होता है, इस पर डिजाइन को निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए चंदेल राजाओं ने इस टेम्पल को आधा अधूरा बनाने के बाद फिर सैनस्टोन का प्रयोग किया। सैनस्टोन में मूर्ति उतार सकते हैं, बाकी मंदिरों को सैनस्टोन से बनाया है। ये देखिए आप, ये चार चेहरे बने हुए हैं। यहाँ के लोकल के व्यक्ति इसे ब्रह्मा के नाम से जाना जानते हैं, लेकिन ये शिव है। और इनके चारों चेहरों के भाव आप देखेंगे अलग अलग हैं। ये रुद्र रूप में है तो अपनी पलकों को ऊपर उठाए हुए हैं, वो शांत हैं, उस साइड वाले हैप्पी हैं, वो नॉर्मल हैं, और ये शिवलिंग है। शिवलिंग में ज्वाइंट है चारों चेहरे। ये ब्रॉक हो चुका था ये टेम्पल, तो इसमें ये नए क्लैंप लगे हुए हैं। और ये बाकी जो ये नंबर्स लिखे हैं, तो आर्कोलॉजिकल इसे खोलना चाहता था ताकि इसे दोबारा बनाया जा सके, लेकिन उसके बाद अभी काम रोक दिया गया है। और ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना, सबसे पहला मंदिर बताया जाता है ब्रह्मा और 64 योगिनी जो ग्रेनाइट से बने हैं, उसके बाद सैनस्टोन का प्रयोग किया गया है। बाकी टेम्पलों में आप देखेंगे सभी मंदिरों के मुख्य द्वार पर आजू बाजू में मूर्तियाँ होंगी, इसमें मूर्ति कला नहीं है। तो जैसे आप लोग हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक लेक है, लेक के किनारे यहाँ पर ब्रह्मा टेम्पल है। खजुराहो आप जब भी आइए तो ब्रह्मा टेम्पल के दर्शन जरूर करिएगा। और जो ये लेक है ये काफ़ी बड़ा है यहाँ पर और रोड से सटा हुआ है एकदम से। तो अभी हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर लिया है ब्रह्मा टेम्पल। अभी यहाँ पे दो और मंदिर हैं विष्णु जी के बताए जाते हैं, वो वहाँ भी आज आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। आइए चलते हैं वहाँ पर। गाइस, हम लोग चल दिए हैं यहाँ से, दो और मंदिर के दर्शन करवाते हैं। इस जगह का नाम पुरानी बस्ती बोला जाता है, जो खजुराहो की सबसे पुरानी बस्ती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी एक ये मंदिर दिखा है, यही है वो एक मंदिर, दूसरी साइड है इस साइड, वो आप देख पा रहे होंगे। अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं उस मंदिर से, इसकी दूरी 500 मीटर है करीब, तो आप लोग आराम से इजीली वॉकिंग डिस्टेंस से आ सकते हैं।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं जवाहरी टेंपल। इस टेंपल का नाम है जवाहरी। आइए चलते हैं अंदर। आ जाओ भैया। ये तो बहुत ही गजब का बना हुआ है भैया, चारों तरफ गार्डन गार्डन है इसमें तो। तरीके से बना रखा है, इसका रख रखाव बहुत अच्छा है और बहुत ऊंचा बना हुआ है भैया। आज इतना ऊंचा है, पहले कितना हुआ करता था इसका। भैया फ्रंट तो दिख ही नहीं रहा हमको, चलते ही जा रहे हैं। देखिए भैया अब तो हम जा रहे हैं इसमें, इसका हमको वो दिख नहीं रहा है, दरवाज़ा कहाँ है। चारों तरफ परिक्रमा तो वैसे ही लगा लिए हैं, समझ रहे हो। अब तुम लोगों ने देखा हो ना, जो लोग खजुराहो आए हों कभी तो बताओ ज़रूर हमको कैसा लगा था यहाँ पर। हाँ दिख गया दिख गया, यहाँ पर सीढ़ियाँ भी आ गई हैं। आइए आइए इसमें दिखाइए, इसमें कुछ लिखा भी हुआ है। हाँ ये देखो टेंपल का सब कुछ लिखा हुआ है। 1075 से 11वीं ईसवी सदी में निर्मित इस मंदिर की, सारा कुछ लिखा हुआ है। आप लोग इसको गौर से देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, इस पर पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस साइड से देख रहे हैं आप, इतना ऊंचा मंदिर है ये गज़ब का। आइए हम आपको अंदर से दर्शन करवाते हैं इसके। हमने पहले उतार दिए थे। हाँ समझ रहे हैं आप भैया। राम राम। बिल्कुल, अभी भैया हम सुबह सुबह आ गए हैं यहाँ पर, समझे, इकलौते हैं अभी। अभी सुबह का बज रहा है 8 करीब, तो भैया वो सफाई कर रहे हैं मंदिर की, वो कह रहे हैं कि अभी बाहर ही रहिए। तो हम बाहर ही हैं अभी, आप लोगों को दिखाएंगे अभी। तब तक आसपास तो देख ही सकते हैं, है? अंदर नहीं जा सकते, बाहर तो रह सकते हैं ना। चलिए देखते हैं बाहर क्या है। दोस्तों हम आपको ये मंदिर को करीब से दिखा देते हैं। ये देखिए खंडित मूर्तियां बहुत हैं इसमें। खजुराहो के टेंपल पे बहुत आक्रमण हुआ है भैया, बहुत सारी खंडित मूर्तियां हैं इसमें। ये देखिए अभी हमने ये आपको चारों तरफ से ये मंदिर का व्यू दिया है। इतने ऊंचे पे है ये कि इसका तो पूरा आ ही नहीं रहा है सही से। और इसका मैं आपको साइड वेज दिखा देता हूँ कि इसके आसपास क्या है। ये मंदिर का एंट्रेंस है, यहाँ से हम लोग मंदिर पे एंट्रेंस करते हैं ये सीढ़ी द्वारा, जैसे हम लोग अभी आपने देखा होगा इस तरीके से मंदिर के एंट्रेंस पे आते हैं। और ये देखिए आप, आसपास का पूरा ओपन है। एक्चुअली जो ये मंदिर हैं, ये जो टेंपल्स हैं, ये यूएनेस्को द्वारा प्रमाणित हैं, वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं ये। तो इसकी देखरेख का पूरा जिम्मा उन्हीं का है, विश्व धरोहर का। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ मूर्ति, बिल्कुल खंडित है ये। इसी वजह से यहाँ पे कुछ भी पूजा वगैरह नहीं की जाती है। ये देखिएगा मैं बिल्कुल मंदिर के अंदर हूँ इस टाइम पे। और इस साइड से इसका मेन गेट है, यहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर से। और ये देखिएगा ऐसे यहाँ पे एक दोनों साइड पे वेंटिलेशन है। और ये भैया हैं यहाँ की देखरेख करते हैं। इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करना पड़ेगा, काफ़ी लंबी हो गई है। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे मंदिर को हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे इसी तरीके से। धन्यवाद।